नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी आज की इस वीडियो में। अब मेरे कई ऐसे छोटे भाई होंगे या कुछ बड़े लोग भी हैं जिनको बाइक चलाना नहीं आता, तो आज उनके लिए मैं यही वीडियो लेके आया हूँ कि इसमें आपको मैं ये बताऊँगा कि आप बाइक कैसे चला सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से। चलाने से पहले आपको बाइक के बारे में जानना होगा कि आपको बाइक के अंदर क्या क्या कौन कौन सी चीज़ क्या होती है। तो चलिए मैं अब आपको बाइक के अंदर दिखाता हूँ कि किस चीज़ को क्या कहते हैं और किस चीज़ का क्या काम होता है। देखो भाई, आपके पास कोई भी 100 cc 150 cc बाइक होगी, इंडियन बाइक के अंदर सबसे पहले जो यहाँ पे ये होता है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीज़ लीवर होता है ये होता है क्लच। जो लेफ्ट पैर पे होता है वो होते हैं गियर। अब किसी बाइक में सारे गियर आगे की तरफ लगते हैं, किसी बाइक में सारे गियर पीछे की तरफ लगते हैं। तो भाई गियर की जो डिटेल्स होती हैं वो क्या तो कंपनी यहाँ पे दे देती है और किसी किसी बाइक में टंकी पे लिखे होते हैं, जैसे इसमें लिखे थे, इसके ऊपर टेपिंग हो रखी है तो जो आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इस साइड, जो हमारे राइट हैंड में होता है। राइट हैंड में हमारी होती है ब्रेक्स और राइट पैर में भी हमारी ब्रेक होती है। अब हैंड में जो ब्रेक होती है इससे हमारी आगे की ब्रेक कंट्रोल होंगी और जो ये लीवर है इससे हमारे पिछले टायर की ब्रेक कंट्रोल होंगी। अब बाइक को चलाया कैसे जाए वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले भाई, बाइक चलाने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी बाइक न्यूटन है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इग्निशन ऑन करना है, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर गाड़ी गियर में होती है तो या तो वो स्टार्ट ही नहीं होगी, या उसको स्टार्ट करने का दूसरा तरीका होता है, या फिर वो झटका दे जाएगी तो आपसे इधर उधर गिर सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो सबसे पहले जैसे ही आप इग्निशन स्विच ऑन करोगे यहाँ पे न्यूटन की बत्ती आपकी जल जाएगी। जलने के बाद अब आपको अपनी बाइक को स्टार्ट करना है। बाइक आपकी देखो दो तरीके से स्टार्ट हो सकती है, या तो किक या तो सेल्फ। कुछ कुछ बाइक ऐसी आती हैं जो सिर्फ किक से स्टार्ट होती हैं, जो कि राइट साइड में आपके दी हुई होती है, और कुछ बाइकें होती हैं जिनमें दोनों चीज़ें होती हैं। तो आजकल जो जितनी बाइकें आ रही हैं उनमें दोनों चीज़ें ही अवेलेबल होती हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट करके गाड़ी को स्टार्ट कर लेना है, और उसके बाद जो पहला काम करना है वो करना है भाई क्लच प्रेस करना है। ठीक है, अब मैं दूसरे व्यू से दिखाता हूँ। सबसे पहले क्लच दबाना है भाई, ठीक है, फिर उसके बाद पहला गियर लगाना है और धीरे धीरे ही इस हाथ को छोड़ना है। ऐसे एकदम से छोड़ोगे तो बाइक उछल जाएगी, तो आपको धीरे धीरे ही छोड़ना है और आपको अपनी ब्रेक अप्लाई करनी है चलाते वक्त। अभी मैं ये भी बताऊँगा कि दूसरा गियर कैसे पड़ेगा, तीसरा गियर कैसे पड़ेगा। अगर आपको इफेक्टिव ब्रेकिंग करनी है तो पहले तो आप ब्रेक दबाएंगे, और ब्रेक दबाया आपने क्लच नहीं दबाया तो गाड़ी आपकी बंद हो जाएगी भाई। तो मैं ये चीज़ आपको ध्यान से बता दूं, आपको क्या करना है, ब्रेक दबाओ, रुक जाए, और रुकने से थोड़ा सा पहले ही क्लच दबा दो तो गाड़ी आपकी बंद नहीं होगी। ठीक है, अब हम दिखाएंगे कि दूसरा गियर कैसे पड़ना है, तीसरा गियर, कोई भी गियर डालना है कोई भी, तो आपको क्लच दबा के ही गियर डालना है। ठीक है, क्लच दबाओगे, गियर डालोगे और धीरे से क्लच को छोड़ना है, हल्के हल्के एक्सेलरेटर देना है और आपकी गाड़ी चल जाएगी। तो दोस्तों अब मैं आपको ये बता दूं कि सेकंड गियर और थर्ड गियर कैसे लेके। जैसे हमने पहले गियर पे गाड़ी उठा ली, ठीक है, उसके बाद ये मेरा हाथ है क्लच पे, इस पे क्लच दबाना है आपको और दूसरा गियर लगा देना। दूसरा गियर लगाने के बाद धीरे धीरे क्लच छोड़ना है और गाड़ी स्पीड पकड़ लेगी। ऐसे करके ना आप 10 की स्पीड से ऊपर नहीं जाइए, 10-15 से, और प्रैक्टिस करिए एक हफ्ते तक, उसके बाद आप हो जाओगे इसके अंदर फ्लुएंट। फिर आप गियर बढ़ा सकते हो और फिर आप गियर बढ़ा के स्पीड बढ़ा के कहीं भी बाइक ले जा सकते हो। और हाँ भाई, एक चीज़ और है, जिनके पास लाइसेंस है ना भाई वही चलाएं बाइक को, ना जिनके पास नहीं है ना वो मत ही चलाएं। क्यों भाई, कानून का उल्लंघन करना गलत बात है और एक दंडनीय अपराध है। और अगर आप मुड़ते हो तो आप राइट मुड़ना है तो राइट का इंडिकेटर दे दीजिए, ठीक है, और लेफ्ट मुड़ना है तो लेफ्ट का इंडिकेटर दे दीजिए, बंद करना है बंद कर दीजिए, बिना इंडिकेटर दिए मत मुड़िए, ताकि आपको पीछे वाले को पता चल जाए आप मुड़ने वाले हो तो वो स्पीड से साइड से ना निकाले और आपका एक्सीडेंट होने से आप बच जाओ। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और आपको बता दूँ कि जो भी कोई भी गाड़ी हो, चाहे बाइक हो, चाहे कार हो, चाहे स्कूटी हो, चलो स्कूटी को हटा देते हैं क्योंकि उसके अंदर गियर ही नहीं होते, उनके अंदर जो गियर होता है पहला, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल गियर माना जाता है। रीज़न उसका ये है क्योंकि उसकी गरारी होती है बड़ी, तो उसमें ना आपको पावर ज़्यादा मिल जाएगी, स्पीड नहीं मिलेगी, तो कभी भी टर्न लो या कुछ करो और उधर पावर की अगर आपको कमी मिलती है, तो ये सब पहले और दूसरे गियर में ही होता है। और जो आप सीखना चाह रहे हो, जो मेरे भाई बंधु सीख रहे हैं, अभी सीखने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो से, तो उनसे एक अनुरोध है कि भाई पहले दूसरे गियर से ऊपर ना जाएं, कम से कम एक हफ्ता इस पर प्रैक्टिस करें, फिर उसके बाद
जैसे ही आपकी इस पे हाथ सेट बैठ जाए उसके बाद आप गियर अप कर दीजिए तो आप आराम से गाड़ी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।